नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। डिप्रेशन का शिकार 12वीं का छात्र कपड़े उतारकर स्कूल के पेड़ में चढ़ गया, जिसे देख विद्यालय प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। कुछ ही समय में छात्र के परिजन भी पहुंचे तो बताया कि वह विगत 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। घटना की जानकारी नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर जाल लेकर पहुंचे और छात्र को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही नगर पालिका की क्रेन छात्र के पास पहुंची तो छात्र ने पेड़ से छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वह जाल में गिरा और बड़ी घटना टल गई। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डिप्रेशन का शिकार 12वीं का छात्र कपड़े उतारकर स्कूल के पेड़ में चढ़ गया, जिसे देख विद्यालय प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। कुछ ही समय में छात्र के परिजन भी पहुंचे तो बताया कि वह 15 दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। घटना की जानकारी नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर जाल लेकर पहुंचे और छात्र को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही नगर पालिका की क्रेन छात्र के पास पहुंची तो छात्र ने पेड़ से छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वह जाल में गिरा और बड़ी घटना टल गई। आइए आपको सुनाते हैं विद्यालय संचालक का उक्त मामले में क्या कहना है और आपको दिखाते हैं पूरी घटना। पूरा मामला सतना जिले के चित्रकूट के सदगुरु विद्याधाम स्कूल का है। ये नीचे गिरेगा, भाभी छोड़ेंगे। शक्ति नहीं रह गई। भैया एक बस जल्दी लगवाइए, बस आ रही है। इसकी दवा करवाने गए थे इसके पिताजी, और ये बेड़ी पुलिया से पिताजी के साथ ही भाग आया है। इसने कहा मेरे को एग्जाम देनी है, जबकि इसकी एग्जाम कल है। और आगे आगे जो है इसके लड़का आ रहा था, पीछे पीछे पिताजी आ रहे थे, और बस ये स्कूल के गेट के पास आया और बस नीम के पेड़ में चढ़ गया। ये बताइए कि आपके विद्यालय में कई बार ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं, बच्चों के साथ इस तरह घटनाएँ होती हैं, तो क्यों होती हैं? धाम में आज तक एक भी कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना तक विद्याधाम में नहीं हुई किसी प्रकार की। सब मेरे लड़के सब पढ़े हुए हैं, एक भी घटना विद्याधाम में नहीं। अब ये है, ये लड़का 15 दिन से डिप्रेशन में चल रहा था, उसके माता पिता स्वयं थे, और ये लड़का कल इसने परीक्षा दिया है, डिप्रेशन में था, तो क्या आपने इलाज नहीं? डिप्रेशन में नहीं हुआ ये, कल इसके पिता ही स्वयं आए थे, कैसा परीक्षा दे दे मखा, बिल्कुल दिलवाइए, क्योंकि बोर्ड का इसे एग्जाम है, हो सकता है शासन एग्जाम ना ले बोर्ड वाला, तो अब ये है कि हाफ ईयरली एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो आया है लड़का, बहुत लिखा नहीं है, जब उससे कहा कि सर मेरे को जाना है, अब भैया ठीक था यहाँ, लेकिन डिप्रेशन में था वो बहुत अधिक। क्या नाम है आपका? शंकर दयाल पांडे। बच्चे का क्या नाम है सर? आशीष यादव। किस कक्षा का विद्यार्थी? 12वीं का।